हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। आज मैंने यहाँ पर दिल्ली शेफ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, जो बाय बाय द ललित ट्रैवलर में है। ये कंपटीशन फरीदाबाद में हो रहा है। इसका प्रोसेस क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसमें दो कैटेगरी है, कुकिंग एंड बेकिंग कंपटीशन एंड सेकंड बेक द केक कंपटीशन। तो मैंने कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। एक रेसिपी आपको वहाँ पे लेके जानी है, और जब आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा तो देन आपको सेकेंड राउंड के लिए भेजेंगे। तो 60% और 40% का रेशियो है ये कुकिंग एंड बेकिंग से लेंगे। ये हमारा होटल आ गया है, जहाँ पर अभी यहाँ पर कॉम्पटिशन होना है। लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अब हम लोग अपनी अपनी जगह पे आ गए हैं। सब लोग अपनी अपनी प्लेटिंग कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर अपनी प्लेटिंग कर ली है। मैंने बनाया था निमोना राइस, और ये जो मेरे बगल वाली हैं इन्होंने बनाया था शाही गुलकस्त। तो आप ये देख लो इस तरीके से कितनी भीड़ है यहाँ पर। ये हमारे बगल में थी, इन्होंने बिरयानी बनाया था, और आप ये देख सकते हो कितने अच्छे से प्लेटिंग की है। और जस्ट हमारे बगल में इन्होंने छेने का दही बड़ा बनाया था, और बहुत ही यमी था। अब हमारे शेफ जज आ गए हैं। अनाउंसमेंट शुरू हो गया है, और ये आप देख सकते हैं। जज होना स्टार्ट हो गया। शेफ सबके पास जा जाके उनकी रेसिपी को टेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोसेस को होने के बाद अभी सेकंड राउंड के लिए जो जो फाइनल हुए हैं उनका अनाउंसमेंट होगा। I got recipes. कौन सी क्या रेसिपी है? क्या है? कीवी केसरिया कीवी पाई। आपने बनाया था ना कीवी केसरिया? इन्होंने कीवी केसरिया बनाया था। और इनकी रेसिपी मैंने चुरा ली। और आपने क्या बनाया था? मैंने बनाया था बेक क्रीम चीज़ बकलावा, बेक क्रीम चीज़। हम सब लोग अभी वाले सेकंड राउंड में क्वालिफाई नहीं हुए हैं, बट ये है कि हम यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स लेके जा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे टेस्ट लेके जा रहे हैं। तो अब मैं भी हम लोग आगे भी क्या अभी आगे क्या होना है कि वही सर्टिफिकेट मिलेगा एंड कुछ मास्टर क्लासेस होंगी, देन फिर हम लोगों को ओके मैं आपको आगे का ब्लॉग दिखाती हूँ, ठीक है? अब हम लोग बस बाइंड अप हो रहे हैं, हम लोग बाहर निकल रहे हैं और ये हमारी किचन है जो हमने बाइंड अप करी है। और अब हम लोग चलते हैं, हम लोग बाहर निकल रहे हैं, हम चल रहे हैं स्टॉल की तरफ मास्टर क्लासेस करने। चलो ये सर वाइन कंसल्टेंट है, ये सर वाइन कंसल्टेंट है। चलो ठीक है, ठीक है, मैं आगे का ब्लॉग आप लोग को दिखाती हूँ, आप बने रहना इस ब्लॉग के साथ। अब बाहर यहाँ पर जो भी स्पॉन्सर्ड थे उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है। फेब है और पंसारी है और भी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो ये फेब का है। अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, और अभी इसके बाद मास्टर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ कहाँ से आए हैं, बस आपका दीदार हो जाए बस। एंड जस्ट कहानी 10 साल पहले शुरू हुई थी मास्टर शेफ इंडिया की वजह से, जहाँ पर खाना तो हमारे घरों में सैकड़ों सालों से बनता है और अच्छा खाना बनता है और सब लोग खाने को पसंद करते हैं, बट उस खाने को बनाने वालों के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। यानी मास्टर शेफ इंडिया ने वो प्लेटफॉर्म किया, सबको वो रिकग्निशन दी कि हाँ अब आपका खाना अच्छा है, या वो यू नो वो सरला बहन जी सिर्फ जोक नहीं मानेंगी, उनके टिक्की और चाट भी फेमस होगी, या फिर वो चट्टा आंटी के जो छोले भटूरे हैं, या फिर वो यू नो शर्मा आंटी के कुछ और हैं। तो ऐसे लोगों को सबको प्लेटफॉर्म दिया गया, एंड उसके बाद जो शुरुआत हुई आई थिंक आपने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कैच ऑन किया कि सिर्फ यू नो बॉम्बे और
इधर बड़े बड़े शोज ना हो, बट दिल्ली में भी शेफ ऑफ दिल्ली हो, और आई थिंक शेफ आशीष हैज आल्सो बीन स्टैंडिंग राइट बिसाइड्स यू टू मेक दिस हैपन. सो आई थिंक यू नो इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू कनेक्ट विद पीपल लाइक हिम. Boys of the country, thank you, sir. And yes, sir. So, and things started to shape up one after the other. I started making sense to a lot of people at that point in time. Although I was coming from. चाहे कोई भी level हो, don't worry about the level, don't worry about winning, losing. It's a learning process. Eventually, you will come out as a winner in every life competition, basically. Whatever you're taking part in, you will be a winner eventually. So don't lose heart. कि वो जीत गए और हम हार गए, और इनका खाना ज्यादा अच्छा लगा शायद जजेस को. खाना अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, खाली एक एक मौका, एक वो एक उन्नीस बीस होता है. सो डोंट लूज हार्ट, एवरीबडी इज अ गुड कुक. अगर आप नहीं होते तो आई डोंट थिंक यू वुड बी स्लीपिंग हियर. सो कीप टेकिंग पार्ट इन द कॉम्पिटिशन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. Right, beautifully said. The question is that I am a dentist. I got my BDS. Then I studied in New York University. I've done my diploma from there. I was working in Fortis Hospital for 6 years as a senior resident. And then something shifted. And I realized that my passion lies in this. it was my daughter's first birthday. And during my pregnancy, I had a bad pregnancy, so I was home. I left the job because they were not giving me that long maternity leave. So, mommy problem. So, I was at home, and at that time, I used to watch YouTube channel full day, full night. And then I realized that I love this thing. I mean, this is something because during my whole childhood, I was not allowed to step in the kitchen because. It's like a typical Punjabi home where beta would have to study and be a doctor. So it was like that. So, but my passion, my interest, everything lies in the kitchen. And thank you, sir. इस पूरी क्राउड में अगर मैं बात करूं तो हर एज ग्रुप के बच्चे में एक ऐसा स्टूडेंट मैंने देखा जो 10th और 12th ईयर ओल्ड है, और एक ऐसा स्टूडेंट है जो 14 ईयर ओल्ड है, ऐसी लेडी भी है स्टूडेंट जो कि 45 ईयर ओल्ड है. सो आप समझेंगे कि खाना, जैसे सर आशीष ने बताया कि खाना एज को कभी भी कॉन्स्ट्रेन नहीं करता है. आपको खाना बनाना आना चाहिए. खाने का नाम मोनोटू हो या टिम्बकटू कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दिखने में बहुत सुंदर और खाने में बहुत टेस्टी होता है. खाना दो ही चीज मांगे, तीसरा किसी भी धर्म का खाना हो, कोई भी आदमी बना रहा हो, किसी भी कलर से बना रहा हो, खाने की बनाने की भावना लूजर या विनर नहीं होती. खाने की बनाने की भावना होती है कि मेरा खाना सुंदर दिखे और खाने में टेस्टी हो. थैंक यू. कैच के दो प्रोडक्ट्स कौन से लॉन्च हो रहे हैं? तो इन्हें बोला गया था कि आप कुछ भी बनाइएगा. इन्हें कोई थीम नहीं दी गई थी, इन्हें ये बोला गया था आप कुछ भी बनाइएगा, बस दिल से बनाइएगा, पैशनेटली बनाइएगा. आप किसके लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं? मैंने पूछा भी नहीं. पिंक हो, कोई बात नहीं. क्या पिंक का मेरे ख्याल से कोई महिला ने कहा है और मैम ने कहा है शायद. हिंदी डायलॉग कौन बोलते हैं? अच्छे कौन बोलते हैं? वेरी वेरी डिफिकल्ट गाइस. जो भी मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये पिछले 12 साल से यही कहानी चल रही है. एक सवाल जरूर आता है, कितना डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि किसी के खाने को जज नहीं कर रहे हैं. उसने वो सिर्फ आज उन्होंने खाना नहीं बनाया, वो अपने पूरे इमोशंस के साथ आई है. और कुछ लोगों के तो परिवार उसके साथ जुड़े हुए हैं, मम्मी पापा टिंकू रिंकू मिंकू सब पीछे जुड़े हुए हैं, राइट. तो उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, उनके इमोशंस को तोड़ नहीं सकते. अब खाना तो खाना है, वो बोल देता है कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, राइट. तो उसमें हमारी जॉब जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि हमें दोनों चीज मैनेज करनी है. सो दैट्स हाउ डिफिकल्ट इट इज. आप लोगों का प्यार ही यहाँ पे खींच के लाया है. आई
पाए वगैरह होने चाहिए। वो बड़ी मेहनत से मिला करती थी पहले, और आज जो हम ये सब ने जैकेट्स पहनी हुई हैं, ये सिलवा के नहीं पहनी है, ये कमाई गई है। तो सबसे पहले कुक बन जाओ, फिर शेफ बन जाओ, फिर उसके बाद सेलिब्रिटी शेफ बनने की अगर परमिशन चाहिए तो हो जाएगा। लेकिन घर पे तो खाना हमेशा लेडीज ही बनाती आई है, तो उनकी ट्रेनिंग तो उसमें है ही। अब इसमें दो चीजें, मैं जैसे कहता हूँ कि बिग डैडी शेफ उमर मर्दों को एक्साइट कर रहा हूँ कि भाई किसी किताब में लिखा कि सिर्फ औरत को खाना बनाना, आप बना सकते हो, किसी किताब में लिखा तो बनाइए। बट आई पर्सनली, मतलब मैं को आशीष के बारे में नहीं पता क्योंकि संगमित्रा ने अभी तक खाने को बुलाया नहीं, तो मुझे तो अपना पता है कि मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। होटल की लाइफ जो है एक थोड़ी सी चैलेंजिंग लाइफ होती है, हमारे वर्क आवर्स थोड़े से ऑड होते हैं, तो घर में खाना बनाने के लिए हमें घर में होना भी चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द शेफ्स हु आर प्रोफेशनली वर्किंग इन होटल, वो सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले निकल जाते हैं और डिनर करने के बाद भी घर आते हैं, और जब तक आप होटल तक आपकी भी यही लगती है। आज भी ऐसे ही होता है, मैडम कभी बोलती है कि मटन ले आना, और जब तक मटन आता है तब तक खा लिया जाता है कुछ को। बट टू आंसर एंड अपनी सेफ्टी में एक चीज बोलना चाहूंगा, लॉकडाउन में मैंने नॉन स्टॉप खाना बनाया है, सारे मील बनाए हैं, और मेरी वाइफ भी बैठी वो उस बात को दवाई भी दे सकती है। क्या बात है, और मैंने जो भी लॉकडाउन में बनाया वो सबने देखा है। भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, गए थे अभी उनको प्राइज मिल रहा है। प्लीज अ ह्यूज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, इट टेक्स अ लॉट गाइस, इट्स नॉट इजी, आई डोंट नो हाउ मेनी आवर्स शी टुक, बट इट हैज कम आउट सो ब्यूटीफुली वेल। अगर मेरा बस चले तो मैं फर्स्ट दे दूं, बट द कंपटीशन वाज बेस्ड प्योरली 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 ऑन फूड। If it was age and food combination, I would have given her the first prize. Humaira, the first prize. Humaira, ladies and gentlemen, the 11-year-old has become the second runner-up of Chef of Delhi in the cooking category. Well, well, well. Humaira Fatma.
अरे एक ही आवाज आ रही है, और भी कोई आवाज दो यार। कोई बोला उर्वशी, कोई बोला पारुल, बस बाकी सब फंदे। तो अब जिसकी आवाज सबसे पहले आई उसको दे दें क्या? जुबिन, सुमित, अब बताइए सर, अब खोल दीजिए राज। राज खोल दिया जाए, खोल दिया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए। तो आज शेफ ऑफ डेली सीजन 2 के विनर को अनाउंस करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है जी मित्रों। जी मन नहीं कर रहा एक्चुअली, बड़े क्या अनाउंस करते सब लोग बोलेंगे चलो ओके बाय टाटा टाटा, पर एनीवेज अनाउंस तो करना पड़ेगा। और आज के विनर हैं एक ऐसे शेफ ऑफ दिल्ली, कहां है एंड द अवार्ड गोज टू उर्वशी। सब लोगों को बता दिया जाए कि इन्होंने बनाया क्या था। इन्होंने बनाया था एक बहुत ही बढ़िया बीटरूट का ब्रेड रोटी, उसके नीचे बनाया था एक बहुत ही बढ़िया सी ग्रेवी साथ में पनीर के क्रिस्पी, और उसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो एक 5-star होटल से कम नहीं थी। सारे जजेस ने ये फील किया एंड सारे जजेस ने फील किया कि दिस वॉज वेरी बैलेंस, वेरी कम्पोज एंड ब्यूटिफुली डन। सो उर्वशी जी ब्लॉग यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।